वेलकम दोस्तों, वंस अगेन फिर से मेरे चैनल में एक बार आपका स्वागत। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो हमारा फिल्टर के ऊपर होने वाला है, क्रिएटिव असिस्ट क्या होता है और क्रिएटिव फिल्टर्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे कैमरे में कोई इमेज नहीं है, सो हमने अभी फॉर्मेट रॉ पे रखा है, रॉ प्लस जेपेक पे। तो ये इमेज हम शूट कर दें, ओके। उसके बाद हम फिर से जाएंगे मेनू क्रिएटिव असिस्ट, ओके। सो अभी ये हमारे डिस्प्ले पे आ चुका है। कहने का ये दोस्तों, जेपेक इमेज पे ये फंक्शन वर्क नहीं करता है, इसके लिए आपको रॉ इमेज चाहिए ताकि ये फंक्शन आप ऑपरेट कर सके। सो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक कलर बार दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रीसेट में देखेंगे क्या है, ओके। सो प्रीसेट में हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे ये पहले तीन फंक्शन आए तो 1, 2, 3 दिया है, उसके बाद विविड आता है, सॉफ्ट आता है, तो काफ़ी बेहतरीन फंक्शन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया है। अभी हम लेंगे किसी, ओके ये इमेज हमने लिया है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे इसके ब्राइटनेस में, ओके। तो आप यहाँ से इसका ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो, यहाँ डार्कर टोन रहेगा, यहाँ पे राइट साइड में जाओगे तो ब्राइटर टोन देगा, ओके। नेक्स्ट फंक्शन में जाते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट है, आप उसी इमेज का भी कॉन्ट्रास्ट हाई या लो कर सकते हो। जैसे हमने कर दिया ये हाई तो इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, जैसे लो किया कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। तो हम इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट अपसेट रखेंगे, ओके चलो हाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सैचुरेशन, ओके। तो हम जैसे ही नीचे जाएंगे ये न्यूट्रल कलर पे लेके जाता है लेफ्ट साइड में, और जैसे हम राइट साइड में जाएंगे ये विविड पे लेके जाएगा। विविड में कलर इनहांस बहुत शार्प हो जाते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे कलर टोन्स। जैसे कोई आप इमेज शूट करते हो या उसका कलर बैलेंस या वाइट बैलेंस कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, तो अब यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हो। हम इसको लेके जाएंगे ब्लू टोन पे, ओके। तो हम थोड़ा अपोजिट कलर लेंगे इसको ताकि हम आपको फाइनल आउटपुट दिखा सके, ओके। तो कुछ नीचे कलर टोन यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है, ओके। ये हमारा ग्रीन टोन्स या मजेंटा है, ओके। सो हम एंड में आते हैं, ओके। एंड में इन्होंने डायरेक्टली फिल्टर ही दिया है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये सेफिया टोन, ब्लू टोन, पर्पल, ग्रीन, ओके। तो ये जो है ये पूरे प्रीसेट्स, ब्राइटनेस, कलर टोन्स, कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहाँ पे दिया है, ओके। तो अगर हम इस इमेज को सेव करेंगे तो ये सेव न्यू फाइल, ओके। तो ये न्यू फाइल आपको बना के देगा, मतलब जो आपकी ओरिजिनल इमेज रहेगी वो ऐसी रहेगी, बट ये न्यू इमेज आपको क्रिएट करके देगा, ओके। 395 इसका नंबर है, ओके। तो ये दो टोन में आ गया, बढ़िया। तो मतलब आउटपुट आप सीधा स्क्रीन के ऊपर ही दे सकते हो, ओके। उसके बाद फिर से हम जाएंगे मेनू में क्रिएटिव असिस्ट के नीचे, आपको सबसे लास्ट में क्रिएटिव फिल्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये फिल्टर के ऊपर हम जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे अगेन एक सिंबल्स आता है, बट चेंज है, ये फिल्टर का है। इस जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे कुछ यहाँ पे फिल्टर्स ओपन हो जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ओके। यहाँ पे आप उसका कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो, ओके। हम फिर से जाएंगे बैक में, कोई अच्छा सा फिल्टर देखते हैं यार, ओके। ये फिश आई का फिल्टर है, डन। इसको ट्राई कर दें हम, ये इमेज हमें कैसे मिल दी है, ओ ये देखो ये फिश आई का इफेक्ट है। चलो इसको हम सेट कर दें, सेव न्यू फाइल, ओके। अच्छा उसने उसका भी एक अलग नंबर मेंटेन करके हमें प्रोवाइड किया है, ओके। अगेन हम जाएंगे मेनू क्रिएटिव फिल्टर्स, ये लेफ्ट साइड में क्लिक किया फिल्टर्स के ऊपर, ओके ये फिल्टर्स आ गए, आर्टबोर्ड इफेक्ट, ओके ये रहा हमारा आर्टबोर्ड इफेक्ट, नहीं चाहिए हमें। हम फिर से जाएंगे बैक, ये आता है हमारा वाटर पेंटिंग इफेक्ट, टॉय कैमरा इफेक्ट, एनीवे मिनिएचर इफेक्ट, ओके। सो ये काफ़ी बेस्ट फंक्शन लगा मुझे एक्चुअली। सो इसको हम
देखते हैं सेट करके क्या होता है। ओके दोस्तों, अभी ये जो आपको पट्टी दिख रही है, ओके सो ये इसका काम ऐसा है, जिस इमेज के ऊपर आप इसको लेके जाएंगे ना, वो उतना शार्प करेगा, बाकी आपको पूरा डिफोकस करके देगा। जैसे ही पकड़ लो, आप मैं नीचे आता हूँ इसके हैंड के ऊपर, आप मुझे पता नहीं आप देख पा रहे होंगे या शार्प, इसके हैंड के ऊपर मैं लेके गए ना लेफ्ट साइड, सो इसका हैंड मुझे शार्प मिल रहा है। ओके और इसकी आंखें देखो, आंखें तो मेरे ख्याल से ब्लरी है पूरी। ओके तो जैसे ही मैं इसको इसके आंखों की तरफ लेके जाऊंगा ना, ये इमेज आंखों की पूरी शार्प कर देगा। ये काफी मस्त फंक्शन है। सो आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टिकली भी कर सकते हो। तो अभी इसमें पूरा इमेज मेरा शार्प है। ओके इसको करते सेट, सेव एज ए न्यू फाइल। अगेन ये न्यू फाइल क्रिएट करके देगा आपको, मतलब जो आपको ओरिजिनल फाइल रहेगा वैसे रहेगा। जैसे अभी 397 जो हमने फर्स्ट इमेज लिया था वो 395 था। ओके ये था हमारा क्रिएटिव असिस्ट और क्रिएटिव फिल्टर। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे फंक्शंस मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, जो काफ़ी ऑन लोकेशन आपको हेल्पफुल रहेगा कुछ इमेज एडिट्स वगैरह करने के लिए। ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।